वेलकम टू कुकिंग विद अंजुम शाहिद चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज चलते हैं अंजुम शाहिद के साथ किचन में। हम बनाते हैं एक बहुत मज़े की डिलीशियस डिश, ढाका चिकन। आप इसको, ढाका चिकन को चाय के वक्त, अफ्तार के वक्त आप इसको ये बनाएं और ये बहुत जो है लुत्फानंदोज़ होंगे आप इससे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो चिकन लिए हैं बोनलेस, इसके बड़े बड़े आप क्यूब्स कटवा लें। एक क्यूब्स की फॉर्म में मैंने लिए है चिकन, है 1 किलो है मेरे पास। अच्छा, अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तिल मैंने लिया है 1 कप या 1/2 कप, आप एक साइड पर मैंने निकाल के रखा है। मैदा हम लेंगे 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लेंगे 3 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, विनीगर 2 टेबल स्पून। अब स्पाइसेस की तरफ चलें। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स भी हमारे पास हैं 1 टीस्पून। ये दोनों इसलिए हमने 1-1 टीस्पून दिए हैं। और ये गरम मसाला हमारे पास 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून फुल, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून फुल लिया है, आप 1 टेबल स्पून जैसे आपका टेस्ट हो नमक का। और कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून और मस्टर्ड पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून है। और अंडा हम लेंगे 1 अदद। स्पाइसेस सारे मिक्स हो गए हैं, अब हम इनको रखते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए, इसको मैरिनेट होने के लिए। 1 घंटा जो है चिकन मैरिनेट हो गई है, इसको मैंने अब फ्रिज से निकाला है। और अब हम इसमें थोड़े से तिल जो है अंदर डालेंगे और बाद में मैं इसको तिल से कोटिंग भी करूँगी। थोड़े से तिल हम अंदर डालेंगे। चले, हमने इसको जो है कोटिंग कर दी है, अब हम इसको चिकन को जो है फ्राई करते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, तेज आंच पे फ्राई नहीं करना वरना अंदर से चिकन जो है वो कच्ची रह जाएगी। मज़े की हमारी ढाका चिकन जो है वो रेडी है और इसको झटपट से अभी मैं खाऊंगी। और ये बहुत ही मज़े की बनी हुई है, सॉफ्ट है, टेंडर है और इसमें स्पाइसेस भी बहुत अच्छे मज़े के लग रहे हैं और ये जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ट्राई करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको फौरन से सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।